जी 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 देखिए, मेन जो आज इश्यू था वो ये था कि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए कई सालों से लोगों के पैसे जमा थे और उस पर आज हमने सब ऑफिसर्स बुलाए थे, सीएम साहब थे, मैं था, हम 5-6 लोग थे और उसमें एक निर्णय करा कि जितने कनेक्शन हमें अप्लाई करें उनमें 4,000 मोटर हम पे अभी 5-star मोटर आ गए, वो हमने सब देने कर दिए और इसे आप समझे 15 जून तक सब कनेक्शन हम लगा देंगे। इसके बाद बाकी के जो है 5-star अभी अवेलेबल नहीं है, जब आएंगी तभी दे देंगे। 4,000 कनेक्शन हमें जो टोटल लोग थे जिन्होंने हमें अप्लाई कर रखा है वो जिनका पैसा जमा हो रहा है 12,000 है, ये 2 साल से पेंडिंग पड़ा था तो आज उस पर निर्णय कर दिया। बाकी के दूसरे हम जल्दी उसका कर रहे हैं, जैसे हम पे होगा उससे करके करेंगे। दूसरा ये निर्णय कराया कि जो बिजली के बिल भेजे थे कोरोना करके, घरों में आना जाना, हर के घर में जाना ठीक नहीं था, इस करके उसे रोक दिया गया था और कई महीनों के पिछले 6 महीने का देख के या जो पिछले साल में सबसे कम जो 2 महीनों में कम बिल आता है वो हमने अंदाज़ा करके ऑन एवरेज बिल बना के भेज दिए थे, वो कुछ एरिया में ज़्यादा आए हैं। लोगों का थोड़ा सा इसके खिलाफ कुछ मेरे से भी फ़ोन आए और से भी आए, उस पर हमने निर्णय कराया कि 31 मई तक तो लॉकडाउन है, 31 तक तो कोई बिल कोई देगा तो अपने हिसाब लाइन भरे, जिसने पहले दे दिया उसका अगले बिल में एडजस्ट कर देंगे। नहीं, बाकी लोगों से हमें ये है कि अब भी किसी को शिकायत है कि ज़्यादा बिल बन के आए हैं तो जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1912 उस पर अपना करें, उसका बिल रिवाइज करके दे दिया जाएगा। और जो ये 2.5-3 महीने गए हैं इस पर किसी का बिल नहीं कटेंगे और किसी का कनेक्शन ही कटेगा और जिनका कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, जो बेसिक अमाउंट है वही लगेगा जी। जेल वाले पे भी हमने एक निर्णय कराया है कि जो इसमें लॉकडाउन करके एक हाई कोर्ट के एक जज से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, हमारे हाई कोर्ट के जज माननीय श्री राजीव शर्मा जी, हमारे होम सेक्रेटरी और डीजीपी प्रिशन, तीनों ने बैठ के गाइडलाइंस तय करी, उसमें 6 हफ्ते तक की उन्हें बेल दे दी गई थी, फरलो दे दी गई थी, जो बाहर गए थे उनकी एक्सटेंड कर दी गई, मतलब एक किस तरीके से जो 7 साल तक की जिनकी सजा थी, जो हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं थे उनको छोड़ के बाकी जो थे उन्हें जिनका अंदर आचरण ठीक रहा उन लोगों को हमने बेल और पैरोल दे दी थी, पैरोल और फरलो दे दी थी। अब उनका ये करके जैसे बढ़ा तो हमने उसे अगले 6 हफ्ते और बढ़ गया था, पीछे हाईकोर्ट के जज से ही बैठ के उन्होंने उनके ही अध्यक्षता में ये फैसला हुआ था, तो आप ये समझिए कि 12 हफ्ते तक उनका हो गया। अब क्या रहता है, 31 मई तक तो गाइडलाइंस आ गई, इसके बाद जो कोई निर्णय होगा 2,000 ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने बेल दे दी थी, क्योंकि आजकल एक लीनियंट व्यू ले रहे हैं, तो हमारे जेल से 6,000 तकरीबन आदमी बाहर गए हुए हैं पैरोल पे। तो अब इसके बाद जब कोई आगे निर्णय होगा तो फिर देखेंगे हालात बने, हम चाह रहे हैं कि जल्दी कोरोना वाला मामला, ये जो लोगों पे एक टेंशन बनी है, हट जाए तो लोग अपने सामाजिक जीवन में एक रोज़मर्रा की नॉर्मल लाइफ है उसमें आए। थैंक यू सर।